का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का मतलब होता है भगवान। मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं। रामायण में अलग लिखा, महाभारत में अलग लिखा, गीता में अलग लिखा, सब अलग लिखा, लेकिन मैं परीक्षण किया कि भैया जो हमको खाली आंखों से दिखाई ना दे और वो चीज पता चले कि वो चीज है, आभास हो कि वो चीज विद्वान है, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। जैसे हवा भगवान है, हवा चलेगी तो आपको पता चलेगा कि हवा चल रही है, लेकिन क्या किसी ने देखा? वही है ऑक्सीजन, वही है ऑक्सीजन। भाई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है तो उसका सांस रुक जाता है, मतलब हवा अंदर बाहर जाना बंद हुआ, मतलब भगवान आत्मा निकल गया, उसी को बोलते हैं हवा निकल गया, मतलब आत्मा निकल गया, आत्मा को ही परमात्मा का दर्जा मिला हुआ। तो रात्रे साहब ने तो इतना बड़ा कदम उठाया है, पैसा भी है, पैसा तो मैंने आपको उदाहरण बताया कि एक पौधे का 10,000 भी अवलोकन करो तो 3,000 गुणे 10,000 कर दीजिए आप तो समझ में आ जाएगा 3 करोड़ रुपये। और साल दो साल के बाद इनका आके पैर पड़ने लग, 200 ठो कंपनियां पहुंच जाएंगी, इनका पैर धुलने लगेंगे कि भैया मोला दे दे, मोला दे दे, मोला दे दे। लेकिन उन्होंने संकल्प किया, वो धान की खेती इतने में करते तो कितना पाते भैया? मान लो 2 एकड़ है, 5 एकड़ है तो 25 तिहाई 75 75,000 का पाते, 75,000 का गुणा 13 में कर दो तो कितना होगा? 13 साल का निकल जाएगा उसका, 7,50,000। 20 साल का निकाल दो तो कितना पाते? आज ये बंजर टाइप की जो जमीन दिख रही थी, आज जो इतना हरी भरी दिख रही है, चारों तरफ लहलहा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा संघर्ष है रात्रि साहब का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। उनको जब मैंने बताया तो मेरे चेयर पर्सन सर भरोसा नहीं किए, बोले पगला मेरे को तू ऐसा बोलता है कि 3 महीना का पौधा कभी होता है 5 फीट का? मैं बोला सर चलिए मैं मतलब बिल्कुल आपको ले चल के भैया मैं दिखाता हूँ, आप नाप लीजिए। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, DSM हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कुछ बिहार में हैं, कुछ उड़ीसा में हैं, कुछ महाराष्ट्र में हैं, तो मैंने अपने नेट से उनको, अपने फेसबुक में मैंने उनको लिख के भेजा नेट में कि मेरा लगवाया हुआ प्लांटेशन मिस्टर रात्रे ग्राम करही दी अकलतरा, पूरा एड्रेस लिख के कि उनका पौधा इतना बड़ा आ गया। तो उसमें कमेंट क्या आया कि हमें लोग तेरे को चूतिया बनाने को मिले। कुछ लोग बोले हो सकता है, कुछ लोग बोले यार हुआ होगा। जैसे सर को भी, अब आज मेरे सर आए हुए हैं तो सर को आज दिख करके लग रहा होगा कि नहीं योगेश सही बोल रहा हो, मेहनत किया इसमें, इसमें टाइम टाइम में संपर्क किया, टाइम में गाइडलाइन लिया और टाइम टाइम में सबसे ज्यादा वर्क को ध्यान दिया रात्रि सर। तो इसलिए मैं दोस्तों बोलूंगा कि प्लांट तो सब हैं, प्लांट बहुत सारा है, मतलब जितना रात्रे साहब के यहाँ ऐसा कोई वैरायटी नहीं है जो एक भी पौधा ना हो, सब पौधा लगा है। ये नारियल भी लगा हुआ है बगल में, नारियल लगा है, सुपारी लगा है, मतलब काजू लगा है, जौन जौन पौधा होता होगा भाई अब मैं क्या नाम बताऊं आपको, कम से कम 17 वैरायटी का लगा है। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा फायदे की चीज अगर किसी में है तो वो है सागवन। भैया जैसा सोना, सोना का रेट क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि उसका खरीददार पूरा दुनिया है, मिलता है एक जगह, तो उसका रेट बढ़ेगा नहीं तो कहां जाएगा भैया? माता राम लोग खरीदी होंगी सोना 2-3 हजार रुपया तोला, आज हो गए 30,000। उसका कारण यही है, उसका मेन कारण यह है कि भाई उत्पादन कम कर रहे हो। अब 2, 4, 10, 20, 50 किसान अगर उत्पादन कर लिए, सोचें कि नहीं हम पूरा दुनिया को पूजा देंगे तो पूजा पाएंगे, तो इसका उत्पादन कभी कम नहीं होगा। अभी 10 साल पहले इसका रेट था
मतलब इसका 10 साल पहले रेट था इसका 1,000 रुपया स्क्वायर फीट, आज हो गया 3,000 रुपया स्क्वायर फीट। सीधे बढ़ रहा है, जैसे सोना बढ़ रहा है वैसे इसका भी रेट बढ़ रहा है। तो भाई जिसकी जितनी हैसियत है, मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि सब रात्रे साहब हैं, सब इंजीनियर तो नहीं, लेकिन हमारे हमारा जो किसान बंधु है तो वो भी तो 10-20 पौधा तो लगा सकते है। अरे ज्यादा नहीं होगा तो अपने लड़का बट भाई घर परिवार को तो होगा, घर में आए तो मतलब एक डबल बेड बनवा सकत, एक सोफा बनवा सकत, बच्ची की शादी करवे तो सागवन के बोला पलंग दे सकत, कुर्सी दे सकत। इस समय तो नहीं लगेगा कि आपको 1,00,000 रुपया लगेगा, रात्रे साहब का लगा, लेकिन आपका तो इतना नहीं लगेगा। भाई जिसकी जितनी क्षमता है, अहमियत है, जितना का सेवा कर सको, ज्यादा नहीं है तो भैया अगर 5 आदमी हो घर में तो एक एक पौधा लगाओगे तो 5 पौधा तो लगा सकते हो। उतना ही बस नहीं कर रहे हैं, सब लोग ढोल पीटते हैं, नेता लोग ढोल पीटते हैं, बड़े मंत्री आएंगे तो स्कूल का उद्घाटन करेंगे और उसी जगह में हर साल पौधा लगता है, वही जगह रहेगा, गड्ढा बसा फिर बनाते हैं उसमें, थोड़ा सा झाड़ देंगे और उसी में लगा के पौधा चले गए। अरे भैया रक्षा नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब तेरा पौधा लगाने की। 10-20 पौधा ज्यादा नहीं, हम लोग कंपनी में हमारे 50 पौधा से 100 पौधा तक ट्रायल में है, उसको छोटा किसान भी लगा सकता है। कुछ और उससे कम वाला रहेगा तो मैं सर जी से आग्रह करके कि भाई छोटा किसान है, हमारे यहाँ बड़े किसान है, रात्रे साहब बड़े किसान है, हाँ तो छोटा किसान भी अगर थोड़ा भी डिमांड करेगा तो उसको मिल जाएगा आसानी से, बेचने में भी उसको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा मुखिया तो बैठा है भैया, उसका जहां जाएगा तहां तेरा भी चला जाएगा। तो हर किसान, अरे भैया जहां खेती करते हो, जहां धान करते हो ठीक बात है, वहां धान की खेती लो, मेड़ में क्या करते हो, वो तो ज्यों का त्यों पड़ा है वर्षों से, तो उसमें कुछ लगा दो यार, 2-4-10 पौधा। अब बोलोगे कि वहां बोर नहीं है, अरे तो 10 पौधा का 1-1 लीटर पानी लगा थे ना यार, 1 बाल्टी पानी लेके जा और डालिया। हाँ 10-20 पौधा में क्या प्रॉब्लम। अब फिर साथ साथ में भैया तो और घर में उतना आदमी है, ऑक्सीजन के वैसे परेशानी, 50 डिग्री टेम्परेचर छत्तीसगढ़ के काबर चल देते, इसलिए चल देता है कि सर पूरा हो गया इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ को हरा भरा करने के लिए सब लोग ढोल बजाते हैं रायपुर में बैठ के, लेकिन कोई आके यहाँ फील्ड में नहीं देखता। कोई किसान हमारा आज इतना बड़ा खेती कर रहा है, तिवारी जी इधर घुमाइए थोड़ा, मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि जो बड़ा हमारे इतने बड़े बड़े किसान हैं, जो इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो इनके लिए सबसे ज्यादा सहयोग किया जाए। हरियर छत्तीसगढ़ करना है, हरा भरा करना है, पर्यावरण संरक्षित करना है, तो रात्रे साहब के जैसे व्यक्ति होना चाहिए, इस प्रकार से संकल्पित व्यक्ति होना चाहिए। वो सब चीजें अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से हिम्मत, जिस प्रकार से मेहनत इस गांव के रात्रे साहब ने किया, मैं उनका एक बार और जो आप सभी लोग पहुंचे सभी का धन्यवाद करते हुए और अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा अपने रात्रे साहब जी से आप लोगों को बताऊंगा कि ये पौधा को, रात्रे साहब थोड़ा बताएंगे आप लोगों को कि ये पौधे को ये कैसे लगाए, कैसे इतना बड़ा आ गया, उसके पीछे उन्होंने क्या क्या किया, वो सब चीजों की थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे हमारे रात्रे साहब। रात्रे साहब के लिए एक बार थोड़ा सा रात्रे साहब थोड़ा सा ये बताएं आप कि कैसे आपने ऑर्डर किया, किस प्रकार से इसका गड्ढा किया, किस प्रकार से इस पौधे को लगाया और आपने इतना बड़ा कैसे किया, और इससे आप क्या फीलिंग महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि भविष्य में ये मेरा कितने का प्रॉपर्टी है, ये भी अवगत कराएं सभी को।